और अगली बड़ी खबर, ब्रिटेन के पूर्व टॉप मिलिट्री कमांडर का बड़ा बयान सामने आया है। ब्रिटेन के पूर्व कमांडर ने अपनी ही फौज पर सवाल उठा दिए हैं। ब्रिटेन की फौज युद्ध को रोकने में सक्षम नहीं है, पूर्व टॉप मिलिट्री कमांडर की तरफ से यह बयान किया गया है। ब्रिटिश सेना देश को हमले से बचाने में काफी कमजोर रही है। यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन से बहुत हैरान करने वाली खबर आई है, ब्रिटेन को बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। कहा गया है कि ब्रिटेन की फौज युद्ध को रोकने में सक्षम नहीं है। ये भी कहा गया है कि ब्रिटेन की सेना देश को हमले से बचाने में भी काफी कमजोर है। ये बयान रूस या यूक्रेन की तरफ से नहीं आया, बल्कि ब्रिटेन के ही पूर्व टॉप मिलिट्री कमांडर ने ये बयान दिया। रॉयल नेवी के पूर्व प्रमुख लॉर्ड वेस ने कहा कि अगर ब्रिटेन पर युद्ध थोपा गया तो ब्रिटेन के पास देश को सुरक्षित रखने के लिए हथियारों, उपकरणों और मैन पावर की बहुत कमी है। इस पूर्व ब्रिटिश टॉप कमांडर का ये बयान ब्रिटेन को परेशानी में डालने वाला है, क्योंकि यूक्रेन के साथ युद्ध में ब्रिटेन लगातार जेलेंस्की का साथ दे रहा है, हथियारों और गोला बारूद से यूक्रेन की मदद कर रहा है। यही नहीं, ब्रिटेन लगातार रूस के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, रूस को धमकियां दे रहा है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने जंग के बीच कीव का दौरा भी किया, लेकिन अब ब्रिटेन के ही पूर्व टॉप कमांडर ने अपने बयानों से ब्रिटिश सरकार और सेना की ताकत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जाहिर है इससे रूस को मनोवैज्ञानिक तौर पर फायदा पहुंच सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।